इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ दिवारा विकास सेवा समिति की सहयोगी बाबा महाबल दास बनास बैंक सामाजिक संस्था की ओर से दिवारा क्षेत्र में गरीबों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया। ये एम्बुलेंस श्री कपिल मुनि यादव की तरफ से संस्था को भेंट किया गया है। कपिल यादव दिवारा क्षेत्र के मूल निवासी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजनेसमैन का काम करते हैं, जो कि दिवारा क्षेत्र के गरीबों के लिए समय समय पर अपनी मदद देते रहते हैं। बाबा महाबल दास बचपन से ही घर बार छोड़कर पूरा ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं। ये टांडा हनुमानगढ़ी अम्बेडकर नगर में महंत थे। उनका जन्म दिवारा जदीद में ही हुआ था। इसे कोतवाल थाना महाराजगंज व राम केदार अध्यक्ष द्वारा विकास सेवा समिति द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कपिल मुनि यादव, विकास गुप्ता, राम दुलार यादव, मोहित मौर्य, वीरेंद्र यादव, श्याम सुंदर वर्मा, शैलेंद्र यादव, अवधेश यादव, भोली निषाद, सदरे आलम, अनिल यादव, श्रीराम यादव, चौधरी यादव, मेवालाल, सोमनाथ यादव, जगदीश यादव, संतोष अच्छे लाल, रवि यादव लोग उपस्थित थे। मैं राम केदार यादव, दिवारा विकास सेवा समिति का अध्यक्ष और बाबा महाबल दास अनाज बैंक की स्थापना किया हूँ। आज आप निशुल्क एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ, क्या मकसद है? हम दिवारावासी 200 वर्ग किलोमीटर एरिया में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर एक भी कोई चालू हालत में अस्पताल नहीं है। सरकार से काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि दिवारा क्षेत्र में एक हर सुविधा से संपन्न एक अस्पताल बने, लेकिन अभी तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई। इसलिए हम क्षेत्रवासियों के मजबूरी को देख करके आपस में खुद के धन से, और हमारे कपिल यादव उन्होंने सप्रेम एक एम्बुलेंस भेंट किया कि अगर अस्पताल दिवारा में नहीं आ पाया तो हम मरीजों को समय पर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल भिजवाएंगे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।